नमस्कार साथियों, आप dilankadhan.com देख रहे हैं। मेरा नाम है आकाश सिंह। इस वक्त मैं प्रयागराज जिले के बसरही गांव में मौजूद हूं और इस गांव में मैं घूम घूम के देख रहा हूं जो सरकार के द्वारा विकास कार्य भेजा जा रहा है, क्या वो सही लोगों तक और सही हाथों तक पहुंच पा रहा है। जब मैं इस पैमाने पर इस गांव में घूम रहा हूं तो ये पूरा गांव मुझे एक तरफ से नजारत नजर आ रहा है। जो आवास भेजे जा रहे हैं, जो इसके पात्र लोग हैं उनको तो मिल ही नहीं रहा है। जो अपात्र लोग हैं, जो पैसा खिला सकते हैं, पैसा दे सकते हैं अधिकारियों को, प्रधानों को, सर्वे टीम को, उनको दिया जा रहा है आवास। तो यहाँ पे एक स्थानीय माता जी हैं जो अभी कुछ देर पहले बहुत इमोशनल थी, बहुत दुखी थी अपने इस आवास को लेकर। आइए इनसे बातचीत करते, क्या स्थिति है माता जी? हमारे घर नहीं है सर जी। घर नहीं है? घर नहीं है, चार पांच लड़की हैं, उनका लड़के हम पड़ी है, जवाना है। तो घर कितना दिन सुना है आपके लगे? अरे बहुत दिन सुना है, का करी दुई लड़कियां हैं, उनका लड़का है, यही बस इकट्ठी बाटे, यही इकट्ठी है। अब इमन कई जने रहा थी? इमन चार पांच दुई बेटवा है, पतो हुआ है, दुई नाती नहीं है। तो प्रधान जनाए कहूँ हमें आवाज दे 15 साल से? पहले प्रधान में नाम रहा, अब जो नौ प्रधान भाव कहा थी ना, वही ना यहाँ कहाँ से दे। तो पहले पहले रहा नहीं, पहले नाम आई रहा आवाज के लिए। तो नौका प्रधान का है नाम ना आई, नावा नहीं है। ले लीजिए बच्चों, गोद ले लीजिए। है तो बोल रहे हैं कि नाम नहीं है, नहीं, नाम नहीं है। तो ये बताइए गर्मी में बारिश में कैसे रहना होता है? बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है। आप चाहती हैं कि आपको आवाज मिले? बहुत ज्यादा चाहता है, मिला तो है, कोई सुनने वाला नहीं है, हमका सब तो सुनता ही नहीं है। जो अधिकारी लोग आते हैं वो सब ना देख के चला जाती है, जेका कहा कर रही अपन दे दे जेका ना। घर में कमाई उमाई कुछ? अब ये छोटा मोटा कमा थी, छेड़ी बकरी है, गिया है, ये का चीज है, थोड़ बहुत खेत बाड़ी है। परिवार की स्थिति ठीक नहीं है? नहीं। तो दोस्तों ये बसरही गांव है जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये मैं आपको यहां की स्थिति दिखा रहा हूं। आप देखिए ना, ये एक पत्रा नुमा इनका घर है माता जी का, जिसमें इनके परिवार के तकरीबन 7 से 8 लोग रहते हैं और एक छोटे से कमरे में इतने लोगों का रहना संभव नहीं है। आप भी जानते हैं गर्मी का वक्त है, हम लोग गाँव गाँव घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। गर्मी का आलम इस कदर है कि बाहर लोगों से निकला नहीं जा रहा है। फिर आप सोचिए ना, इस कमरे में अब ये देखिए ये स्थिति है ना, इसमें दरवाजा भी नहीं है माता जी, इसमें दरवाजा तक नहीं है। मतलब डर के साये में रात बीतता है, दिन गर्मी की वजह से खराब हो जाता है। ये आप देखिए ये क्या स्थिति है, वहाँ एक तो चूल्हा रखा गया है जिसपे ये खाना बनाती हैं, और ये पूरा स्थिति देखिए कि क्या स्थिति है इस परिवार की। ऐसे तमाम ऐसी तमाम कहानियां मैं आप तक ला रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए ये उत्तर प्रदेश के ग्राउंड लेवल की सच्चाई है कि जो अधिकारी लोग हैं वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। जब तक उनके पेट में जो है घुस नहीं जाएगा, जब तक उनको नोटों का बंडल नहीं पकड़ाया जाएगा, तब तक नाम आगे नहीं खिसकेगा। तो गरीब लोग नोट कहाँ से पकड़ा पाएंगे? फिर जो अमीर है वो और अमीर बनते चले जा रहे हैं। इनके पास एक आवास है, उनको दूसरा मिल जा रहा है, तीसरा मिल जा रहा है, लगातार मिलता ही जा रहा है। लेकिन जिन्हें मिलना चाहिए उनको तो कोई देख ही नहीं रहा है, उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा है। अब माता जी किससे अपना दुख कहें, किसे अपनी तकलीफ बताएं, किसके पास जाके रोए, किससे गिड़गिड़ाएं, कौन सी सरकार, कौन सा आलाकमान का अधिकारी, कौन सा विधायक, कौन सा सांसद इनके पास आएगा? और आएगा भी क्यों, चुनाव का वक्त तो है नहीं, वोट तो चाहिए नहीं, वोट तो आप ले चुके हैं, तो फिर आप क्यों दिखेंगे? तो यह स्थिति है। ये ऐसे तमाम जगहों की मैं आपको कहानी, माता जी कुछ कह रही है तो ऐसे ही वहीं से आप चिल्लाएंगे केवल। तो ये स्थिति मैं आपको बता रहा था कि तकरीबन 20,000 की मांग करी जा रही है और ये हर गांव की स्थिति है। बने रहिए हमारे साथ। आप पैसों दे बिना तैयार हो कि पैसा ले ले, लेकिन आवाज दही है तब भी नहीं मिल पा रहा। माता जी भैया हमारे बेटवा के कल पत्र ऐसे रहा, घर गिरा ससुरारी, अब ससुरारी में प्रधान से गोरधरिया मोर भैया दे दिया, मोर भैया दे दिया, सबसे ले पैसा हमका नहीं दे, कलोनी अपने से कर्जा इनकार के घर भाई पत्र नहीं दे, लिंटर नहीं दिलाए। आप पैसा नहीं दू? नहीं हमारे पैसे नहीं, हर बेटवा हम कहाँ से दे? तो पैसा दे तो आपको आवास मिल जाते हैं। हम कहाँ कहाँ से हम दे पैसा, कहाँ पाई कमाई हम जो दे वहाँ? इतना प्रधान लोग अपने घर से देते नहीं तो सरकार भेजत है।
भले सरकार भेजे जब प्रधान देते हैं तो कहाँ जितना गोड़ है मोर भैया मैं बैठा हुआ देता मोर भैया जगह दो दिन तीन तीन कलोरी ओका दे जगह पास दो तीन दिन डिब्बा ओके मिल गया ओका मिल गया जगह एक करोड़ ना कथा आघात जोड़े गोड़े के प्रधान ना दे भैया बहुत चुम्माल हमारे बेटवा कमाए के कर्जा ऋण से दो कमरा बना लिंटर बना ही डलाए बा मतलब प्रधान से सरकार जगह ना आपकी उम्मीद ना बटे कौन उम्मीद है बेटा का हम कही हो का मांगी का कही जब देते नहीं तो का मांगे और कुछ गाँव में मिला कुछ सुविधा अब सबको तो मिला है आपको कुछ मिला और केगा आपके कुछ सरकार के तरफ से हमका का मिला हजरा दिखा दे वाला लिंटर नहीं पर वैसे पर अब ससुरारी में बांटे जब कमाई है तो लिंटर दिए था आपकी लड़का शादी के बाद ससुरारी में हां ससुरारी में सही है चाहिए जी पूछ ले ससुरारी में बांटे कि नहीं गांव बड़ा अजीब है एक जने शादी के सामान नहीं ले जाई पाए अभी तक और आपके लड़का घर गिरत रहा मोर भैया मोर प्रधान भाई हमने बेटौना कॉलोनिया एक ही घर बन जाए रहा खो जाए प्रधान तक के तो सुना एक एक कद ना वही नहीं ना लेकिन चाची जब अगली बार वोट दे जाओ ना तो देख के बढ़िया प्रधान चुनू पढ़ा लिखा प्रधान सब पढ़ाई लिखा था बेटो के हमर रहीस है के सब अच्छा ही पढ़ाई लिखा प्रधान सब पढ़ाई लिखा तो मैं भाग के मैं गए पढ़ा क्या स्थिति खराब बा जब लेख रहा भाई ये सही जब लेख रहा तो मोर भाई ले गो घर जा अच्छा जब वोट लेख रहा था तब तब तो सही रही थी दे दे बु दे लेख बात कुछ नहीं तो दोस्तों ये थी स्थिति है मैं बार बार दिखा रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ गुहार लगा रहा हूँ आपके कानों तक आवाज जाए तो जरूर सोचिए कमेंट बॉक्स में एक नंबर है और आपको स्क्रीन पे भी एक नंबर नजर आ रहा होगा आप अपने गांव की स्थिति कमेंट बॉक्स में भी बताइए और अगर आपके गांव में भी व्यवस्थाएं बदहाल है तो हमें अपने गांव बुलाइए हम आपकी आवाज़ बनेंगे आपकी आवाज़ उठाएंगे बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए dilankadhan.com शुक्रिया।